आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने मोबाइल को पूरी तरह से सिक्योर कैसे रखते हैं। हाँ, जैसे हम मतलब पूरी तरह सिक्योर का मतलब ये है कि हम अपने मोबाइल को तो लॉक करके रखते हैं, उसके साथ साथ हम अपने सिम कार्ड को भी लॉक करके रख सकते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो, आज मैं बात करूँगा सिम कार्ड को कैसे लॉक करके रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट में। दोस्तों अक्सर यही होता है कि हमारी मोबाइलें जब खो जाती हैं, जो भी हमारी मोबाइलें पाता है तो कभी लौटा देता है, कुछ लोग नहीं लौटा रहा, कुछ लोग उसका मिस यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर उसमें यह होता है कि हमारी मोबाइलें चलो कोई खो गया तो कोई बात नहीं है, उसमें जो भी है, लेकिन दोस्तों हमने उसको ऑनलाइन या किसी भी तरह से अपने मोबाइल को इरेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए रहते हैं, इनके बारे में बात किया हूँ, बताया हूँ लोगों को। लेकिन दोस्तों अक्सर जब आपकी मोबाइल खो जाती है तो उसमें जो सिम कार्ड होता है उसका भी लोग गलत यूज कर सकते हैं, मिस यूज करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि अपने सिम कार्ड को आप कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि हमारा सिम कार्ड के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, एक सिक्योरिटी कोड पड़ा हुआ है, तो हमारे सिम कार्ड को कोई यूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों यह सिक्योरिटी कोड कैसे काम करता है, इसे हम कैसे अपने मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर सिक्योरिटी कोड लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने सेटिंग में। चलिए यहाँ से हम चलते हैं अपने सेटिंग में। यहाँ से देख सकते हैं ये मेरी सेटिंग खुल गई है। अब सेटिंग खुलने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमें जाना होगा अपने सिक्योरिटी सेटिंग में। यहाँ देखिए मेरा सिक्योरिटी सेटिंग मिल गया है, हर मोबाइल के अंदर सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग आपको मिल जाएगी। चलिए अपना सिक्योरिटी सेटिंग ऑन करते हैं। ये देखिए मेरा सिक्योरिटी सेटिंग ऑन हो गया है। अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं मिल गया है सेटअप सिम कार्ड लॉक। यहाँ देख सकते हैं सेटअप सिम कार्ड लॉक। चलिए हम अपना सेटअप सिम कार्ड लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसका मेन चीज़ मैं बताता हूँ कि अपने इसको लॉक करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे मोबाइल खोती हैं तो लोग जब भी पाते हैं तो तुरंत उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे जब आप यूज करेंगे इस कोड को, तो जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ होगी और जब दोबारा खुलेगा तो आपका सिक्योरिटी पासवर्ड मांगने लगेगा। सिम कार्ड को भी खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा जियो और एयरटेल लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एयरटेल में पहले से ही पासवर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं जियो में पासवर्ड कोई नहीं पड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं लॉक सिम कार्ड के आगे दिया हुआ है, यहाँ से हम जब ओपन करेंगे यहाँ देख सकते हैं एक पासवर्ड मारा। चलिए मैं जनरली यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ देख सकते चार अंक का मैं एक पासवर्ड यहाँ पर डाल सकता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। अब हमारे मोबाइलें हैं जो कि जो इसके अंदर जो सिम लगा हुआ वो अब लॉक हो गया है। हाँ दोस्तों यह लॉक हो गया है। अब हम अपने मोबाइल को जब लॉक करके अब जब इसे ऑफ करके ऑन करेंगे मोबाइल को, तो यह तुरंत पासवर्ड मांगने लगेगा। इस तरह से हमारे मोबाइल जब भी खो जाएंगे तो हमारी सिम सिक्योरिटी, हमारा सिम जो है पूरी तरह से सिक्योर रहेगा, क्योंकि वो एक पासवर्ड से लॉक रहेगा, उसे तोड़ने के लिए कोई भी अलग तरीका नहीं है। दोस्तों यदि आपके सिम के अंदर कोई भी पासवर्ड पड़ गया तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके उसे आप नहीं खोल सकते हैं। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यदि आप कभी कभी भूल जाते हैं इस चीज़ को, तो इसे खोलने के लिए आपको दोस्तों सिंपली क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने कस्टमर केयर से पर कॉल करनी होगी। जिस भी कंपनी का आपका नंबर है उस कंपनी के को कॉल करनी होगी, उस कंपनी को अपना मोबाइल नंबर बताना होगा, जो मतलब सिम का नंबर है वो नंबर बताना होगा, अपना आईडी बताना होगा, कुछ वेरिफिकेशन मांगे, एक दो स्टेप का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो एक देगा वो पुक कोड देगा। वो पुक कोड जैसे ही आप इस सिम के अंदर इंटर करेंगे तो आपका यह अनलॉक हो जाएगा। हाँ दोस्तों इस तरह से आप अपने सिम को अनलॉक कर सकते। लेकिन दोस्तों जो लोग पाएंगे उन्हें आपका मोबाइल नंबर पता ही नहीं रहेगा, आपके बारे में नहीं पता रहेगा, क्योंकि मोबाइल का सिम जो है वो लॉक रहती है। तो इस तरह से आपकी मोबाइल तो सिक्योर रहती ही है, इस मोबाइल के साथ साथ अपने सिम कार्ड को भी आज से सिक्योर करना चालू कर दीजिए इस तरह से पासवर्ड डाल के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।